मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू एमी क्रेजर का, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एयर फ्रायर की रेसिपी जो कि है तंदूरी। हम एयर फ्रायर में फ्राई करने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी, ट्रस्ट मी गाइस। आप जो गैस पे फ्राई करते हैं ना हम लोग, तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी, उससे भी ज़्यादा हेल्दी आपको ये एयर फ्रायर में मिलेगा। इस रेसिपी को ज़रूर देखिए, ट्राई करें, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ट्रस्ट मी, होटल से भी ज़्यादा टेस्टी आप इसमें बना सकते हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी की रेसिपी, वो भी एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बताऊंगी चिकन तंदूरी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है, और ये है 300 ग्राम। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा नींबू लगेगा हमें, तेल लिया है एक टेबल स्पून। एक टेबल स्पून के और ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना है, बस इसी में काम हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये एयर फ्रायर में फ्राई होने वाला है तो उसके लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कम तीखा होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसके लिए हम लेंगे दो छोटे चम्मच। अगर आप नॉर्मल वाला लेना चाहते हो लाल मिर्च पाउडर तो आप ले सकते हो, क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। चिकन मसाला लेंगे यहाँ पे एक छोटा चम्मच जो कि ऑप्शनल है। तंदूरी चिकन मसाला लेंगे दो छोटे चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का ब्रांड यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नींबू लेंगे, इसके सारे सीड्स मैंने निकाल लिए हैं, स्क्वीज़ कर लेंगे नींबू को, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, टैंगी टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू को स्क्वीज़ कर लिया मैंने, नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता, दो छोटे चम्मच। चिकन मसाला एक छोटा चम्मच, तंदूरी चिकन मसाला हम लेंगे यहाँ पे दो छोटे चम्मच, और बस यहाँ पे एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच मैं डालूँगी तेल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। एयर फ्रायर में बनाने से क्या होता है, ऑयल भी कम आता है, कम यूज़ होता है तंदूरी बनाने में, और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है, अभी ना हम छोड़ देंगे आधे घंटे तक। आधे घंटे तक अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको एयर फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे तक मैंने चिकन को मैरिनेट अच्छे से होने दिया। अब आधे घंटे के बाद चलेंगे हम एयर फ्रायर की तरफ। इस एयर फ्रायर का जो है पूरा मैंने रिव्यू किया है, आप मेरे चैनल में जाके, वीडियोज़ में जाके देख सकते हो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसके सारे फीचर्स मैंने उसमें बताए हैं आपको। तो चलिए मैंने ऑन कर दिया, अब इसको करना है हमें प्री हीट करना है 180 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए। मोड पे जाएंगे, वन एटी डिग्री पे करेंगे 5 मिनट के लिए। टाइमर यहाँ पे सेट करेंगे, टाइमर को सेट कर दिया मैंने 5 मिनट 180 डिग्री, और इसको कर देंगे ऑन। ये अब ऑन हो चुका है, तो प्री हीट करने के बाद ही हम चिकन को इसमें डालने वाले हैं। हो चुका प्री हीट, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी, इसको टच नहीं करेंगे। देखिए इसको जो है ट्रे को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये गर्म है, और सावधानी से इसके अंदर हमें ये रखना है पीसेस। तो देखिए मैंने सारे पीसेस को यहाँ पे रख दिया है, अब इसको हम लगा देंगे।
15 मिनट के लिए हमें एयर फ्राई करना है इसको। 15 मिनट का मैंने टाइमर सेट कर दिया यहाँ पे, बस इसको ऑन कर देंगे और बीच में एक बार इसको खोल के हम टर्न कर देंगे, फिर से लगा देंगे। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैंने ऑन कर दिया इसको। सेवन मिनट्स बचा है कंप्लीट होने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हमें टर्न करना है बस निकाल के इसको। तो यहाँ पे बस पूरा तो हुआ नहीं है, आधा मिनट बचा है, मतलब सेवन मिनट्स बचा है 15 मिनट में से। इसको टर्न कर देंगे, बहुत ही सावधानी से हमें इसको टर्न करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है स्पून और फोक, इसको बस ऐसे टर्न कर देंगे ताकि ये दूसरी जगह से भी अच्छे से सिक जाए। मैंने यहाँ पे सभी पीसेस को अच्छे से टर्न कर दिया है, इसको मैं फिर से लगा दूंगी। ऑन कर दिया फिर से मैंने इसको। इसने बीप दे दिया है, पूरा का पूरा इसका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 15 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं स्विच को ऑफ़ कर दूंगी। तो इसको मैं इसी में रहने दूंगी, अभी मैं इसको नहीं खोलूंगी। 2 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। 2 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसको अभी खोलते हैं, ओपन करते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। यहाँ पे देखिए परफेक्टली कलर कितना सुंदर आया है, और परफेक्टली बिना ऑयल के, मतलब सिर्फ एक चम्मच हमने इसमें ऑयल यूज़ किया, और कितना अच्छी तरीके से देखिए एयर फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में भी। और जो आप ऑयल में फ्राई करते हो ना, यकीन मानिए ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको इसको ना थोड़ा सा खोल के बताती हूँ। वाह, कितना जूसी है देखिए अंदर, थोड़ा सा गर्म ज़रूर है लेकिन बहुत जूसी बना है। देखिए परफेक्टली पक चुका है, जूसी जूसी एकदम। आप चाहो तो ऑनियन से, लेमन से इसको गार्निशिंग कर सकते हो। थोड़ी सी धनिया पत्ती मैं ऊपर डाल दूंगी इसके, ताकि दिखने में और भी अच्छा लगे। थोड़ा और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चाट मसाला, इसको बस थोड़ा सा इस तरीके से छिड़क देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। परफेक्ट, हमारा तंदूरी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं थी कि टर्न करना है, बस एक ही बार हमने इसको टर्न किया। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको एयर फ्रायर लेना है इस हैवल्स का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपको तो पता ही है क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।